हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का सीयूईटी हिंदी मीडियम के चैनल पर। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं, ऐसे स्पेशल आप लोगों के जैसे ही बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से या अपने एफर्ट से जो सीयूईटी की परीक्षा है वो पहले अटेम्प्ट में क्रैक करी और उसके बाद उनकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां पर एडमिशन लिया। तो वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं। कोई डीएचयू में जाना चाहता है, कोई बीएचयू में जाना चाहता है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। आज हम बात करेंगे उन होनहारों से, उन धुरंधरों से या उन स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना एडमिशन बीएचयू में सुनिश्चित किया, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुनिश्चित किया। तो हमारे साथ हैं आस्था, हमारे साथ हैं सूर्यांश, हमारे साथ हैं सौरभ। हम इन स्टूडेंट से बात करेंगे कि इन स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटेजी रही, वो इस एग्जाम के को लेकर क्या सोचते हैं और किस तरह और किन प्रयासों के द्वारा वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं या उन्होंने बीएचयू में अपने सीट को रिजर्व किया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन सीयूटी हिंदी मीडियम। सूर्यांश, आस्था, सौरभ, वेलकम वेलकम टू द चैनल। चलो तो अब मैं एक एक करके अपने सभी स्टूडेंट से बात करूंगा, उनके बारे में जानूंगा और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लूंगा। आस्था, आई विल स्टार्ट विथ यू। मैं अगर आपसे बात स्टार्ट करूं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बीएचयू में आपका आपको एडमिशन मिला है, बीएचयू में आप 1 साल से अभी वहां पढ़ भी रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अपने अपने बारे में थोड़ा बताइए। और बीएचयू में आने के बाद जो यूनिवर्सिटी में माहौल है या वहाँ का पूरा एक जिसको कहते हैं ना कि आबो हवा जो है, कैसा लग रहा है आपको वहाँ के? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून सर। बीएचयू जो रही है वो स्टार्टिंग से मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। जब मैं छोटी थी तभी से मैंने सोचा था कि मैं बीएचयू में ही एडमिशन लूंगी और वो पॉसिबल भी हो गया। जब हमारे 12th के एग्जामिनेशंस चल रहे थे उसके कुछ दिन बाद हमारा सीयूईटी का भी एग्जामिनेशंस आ गया। और जैसे कि आप सब जानते हैं सीयूईटी जो हो रहा है फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये कॉलेज जब मुझे मिला तो तब से लेके अभी तक यहाँ का इन्वायरमेंट, पढ़ाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, सब कुछ इंक्लूड करते हैं। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप बात करना चाह रहे हैं वो मैं पूछना भी चाह रहा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो शायद स्कूल लाइफ में कम हो पाते हैं, आपको लगता है कि उसके लिए एक बड़ा ब्रॉडर एक्सपेक्ट खुला है वहां पर आकर, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है बीएचयू में? यस सर, ये हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है क्योंकि यहाँ हमेशा हर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं और बहुत सारे स्टेट्स से जो टैलेंट्स होते हैं वो अपने अपने टैलेंट्स को यहाँ पे शो करते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस यूनिवर्सिटी से यहाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से हैं और बहुत सारा कल्चर भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आस्था, जैसा कि आप जैसा आस्था बता रहे थे कि बीएचयू में एक इनको ऐसा माहौल मिला जहां पर वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और जाहिर सी बात है ये दिखाता है कि जिनका कल्चरल या जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट है उन बच्चों को और आनंद आएगा कि एक ऐसा कैंपस मिलेगा जहां आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। सूर्यांश, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बाद कि स्टडी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को बैलेंस करके चलना कितना आसान होता है और दोनों का बैलेंस कितना जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी कोई कोर्स कर रहा हो। सर, बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो मैं खुद यहाँ बीएचयू की लार्जेस्ट म्यूजिक सोसाइटी यूफोरिया का मैनेजिंग सेक्रेटरी हूँ फिलहाल, ग्रेट, एंड एफएसएस फर्स्ट ईयर में हूँ। तो अगर हम लोग कोशिश करें तो मैनेज करना मुश्किल नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बस लगता टाइम है मैनेजमेंट आना चाहिए। राइट, टाइम मैनेजमेंट, इस पर तो मैं विशेष बात करूंगा आप लोगों से कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और ये बैलेंस करना बीएचयू में आसान लग रहा है। मैं इसलिए ये सवाल इंफेसिस करके पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे बीएचयू के बारे में सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में अगर कोई डाउट हो कि जब वो बीएचयू में जाएंगे तो क्या वो अपने इंटरेस्ट और पढ़ाई दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, ऐसा माहौल बन रहा है वहां पे? यस सर, यहाँ पे हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारे करिकुलर एक्टिविटीज को भी सपोर्ट किया जाता है एंड राइट, हमें प्रोफेसर का सपोर्ट मिलता है एंड पढ़ाई में भी अच्छी हेल्प मिलती है हमें टीचर्स से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा इसके बाद मैं अगला जो पॉइंटर उठाना चाहूंगा वो सूर्यांश से बात करना चाहूंगा। सूर्यांश, वेलकम टू द चैनल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सूर्यांश, बीएचयू हुई क्यों? आपने जब सीयूटी एग्जाम दिया होगा या आपने जब सोचा होगा कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने बीएचयू को ही क्यों चुना? कुछ ऐसे एक आध पॉइंट आप शेयर करेंगे हमारे साथ? पहली बात तो बीएचयू एक ड्रीम जैसा था मेरे लिए, बिकॉज ये इंडिया की, हमें से मालवीय जी की बगिया भी कहते हैं, इंडिया की लाइक लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। हमने लाइक राइट, नाम सुना हुआ था हमेशा से कि बीएचयू बड़ा यूनिवर्सिटी है एंड पेरेंट्स का मन था। और मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ मेरे इंटरमीडिएट में, बट मैंने राइट, अभी कन्वर्ट किया है आर्ट्स में, तो
राइट सो बीएचयू एक बहुत बड़ा नाम है आर्ट की पढ़ाई के लिए पूरे देश दुनिया में. बिल्कुल बिल्कुल, और हमें पता चल रहा है कि इट इज वर्थ इट. जो फैसिलिटीज मिलती हैं, चाहे साइबर लाइब्रेरी हो या फिर हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी हो, फिर जो फैसिलिटीज हमें बाकी मिलती हैं एट मिनिमलिस्टिक कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हमें वो सब मिलता है जो कि बाकी किसी यूनिवर्सिटी में मुझे लगता नहीं ऐसा मिलता है, ऐसा स्प्लेंडेड कैंपस और बाकी फैसिलिटीज. ये मैं चाहूंगा बच्चे ध्यान दें इस बात पे कि जो भी बीएचयू में जाना चाह रहे हैं कि पढ़ाई का जो एक माहौल या पढ़ाई के लिए जो जरूरी जरूरतें हैं उसका ख्याल बीएचयू में बहुत रखा जाता है. मैं सौरभ को भी इंक्लूड करना चाहूंगा इस कन्वर्सेशन में. सौरभ वेलकम टू द चैनल. और मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि बीएचयू में अब तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है, जरूर थोड़ा शॉर्ट में बताएं. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. बीएचयू की जर्नी तो अच्छी रही, अभी तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं तो हम अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं. अच्छा, कहाँ से हैं आप सौरभ? क्या पूर्वांचल से ही हैं या भारत के किसी और हिस्से से हैं? मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से. देखिए ये बड़ी अद्भुत बात है और इसीलिए शायद विश्वविद्यालयों का सपना इसीलिए बनाया गया था कि सच में पूरी दुनिया को, या अगर दुनिया को देश को ही दुनिया माने तो देश के अलग अलग मोतियों को एक जैसे एक साथ पिरोने की कोशिश की जाती है. और मालवीय जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान भी है. तो मध्य प्रदेश, जो हालांकि रीवा जिला उत्तर प्रदेश से लगा ही जिला है, बहुत दूर का जिला नहीं है, तो वहां से सौरभ है और इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है. तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट किया. और पहला जो मेन मुद्दा हमें डिस्कस करना था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो हम लोगों ने इस पर बात की. अब मैं थोड़ा सा आऊंगा सीयूईटी एग्जामिनेशन की तरफ, जो हमारा मोटो है आज के इस कन्वर्सेशन का कि सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत बात हो रही है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हैं मार्केट में जो बहुत सही भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत गलत भी हैं, जिससे बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स जो उनको बैक कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं, और तो बहुत सारे टीचर्स भी कंफ्यूज हैं कि आखिर भाई किस अप्रोच से बच्चों को ले जाना है. लेकिन आप लोगों से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को फेस किया है, आप वहां से होके आए हैं और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है जिस पर हमें बात करनी चाहिए. तो इसलिए अब मैं अगर इस तरफ अपने सवाल को मोड़ूं और आस्था मैं आपसे पहला सवाल अगर करूं और ये जानना चाहूं, सबसे पहला सवाल ये है कि 12th और सीयूईटी की परीक्षा में क्या अंतर दिखाई दिया आपको, क्या महसूस किया जब आपने पहली बार परीक्षा दी, पहला एग्जाम था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, बोर्ड्स हम देख के आए हैं 10th, तो 12th उतना मतलब अजीब नहीं लगा, मतलब डिफिकल्ट नहीं लगा, वो सेम एज लगा. पर सीयूईटी जो हो रहा था वैसे भी वो फर्स्ट टाइम हो रहा था और हमारा ये फर्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन था तो थोड़ा प्रेशर था. पर जब हम एग्जाम देने गए, हमने जब क्वेश्चन पेपर देखा और जब हम क्वेश्चन मतलब सॉल्व किए और पेपर दे के आए तो सर बहुत बेटर फील हुआ. और फिर नहीं लगा कि जैसा हम सोच रहे थे कि बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं है. हमें बस अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है, बाकी सब कुछ सही होता है और पेपर भी नॉर्मली आता है. सर बस 12th और सीयूईटी में ये डिफरेंस है कि 12th में आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. सीयूईटी में हमें ह्यूमैनिटीज, मैथ्स सब कुछ देखना पड़ता है, मतलब सारा पोर्शन आता है उसमें. राइट राइट, ये तो सिलेबस की कहानी आएगी, सिलेबस पर तो हम बात करेंगे कि थोड़ा सा सिलेबस का एक वाइड एंगल लेके चलना पड़ता है. लेकिन जो आपने बात की कि प्रेशर था और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको समझ में आया कि इतना भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है जिसकी बात हो रही थी, तो ये राइट. तो ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो बच्चे भी आप सुन रहे हो कि जितना प्रेशर आप लेके चल रहे हो, आपसे भी कहा जा रहा है कि अभी दूसरी बार ही एग्जाम हो रहा है, इस बार और कंपटीशन है और पता नहीं कैसा होगा, तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. जरूरत है अपने टाइम को, प्रेशर लेने के बजाय उस टाइम को अपने सिलेबस के और ब्रॉडर एंगल में थोड़ा सा तैयार करके प्रैक्टिस करने की. राइट, एम आई राइट आस्था? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. सूर्यांश, मैं फिर अगर आपके पास आऊं तो आपका अप्रोच क्या था? मैं आपके थोड़े प्रिपरेशन अप्रोच पर बात करना चाहता हूँ कि जब आप 12th से सीयूईटी की तरफ आगे बढ़े तो आपने थोड़ा सा एग्जामिनेशन को टैकल करने का या पढ़ने के अप्रोच में कोई बदलाव किया था या कैसे टैकल किया? सर जैसा हम जानते हैं कि बोर्ड जो है कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो गई है. हमारे टाइम में तो दो टर्म्स भी हुए थे, एक फर्स्ट टर्म प्योरली ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड टर्म प्योरली सब्जेक्टिव. सो क्योंकि सेकंड टर्म के बाद सीयूईटी था सो हम लोग सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक सडन शिफ्ट था हमारा. तो मैं और क्योंकि साइंस था जैसे मैंने बताया, और मैंने सीयूईटी में सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी, मैंने ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट लिए थे, मैंने पीसीएम में नहीं दिया था सीयूईटी. सो पहले तो मैंने लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए थे जीटी को टारगेट किया, क्योंकि मेरा मानना है बीएचयू या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. करेक्ट, इट हैज द वाइडेस्ट सिलेबस आल्सो. बिल्कुल, सो मैंने उसके लाइक सिलेबस को नोट डाउन किया था एंड देन यूट्यूब से सीयूईटी अड्डा का भी एक बहुत अच्छा उसके ऊपर इंपैक्ट रहा था. राइट, मैंने नोट्स बनाते हुए उनका प्रिपरेशन शुरू किया था और क्वेश्चंस जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का फायदा मिलेगा, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो या फिर जनरल टेस्ट हो.
बात किया जाए आपका डोमेन का, तो जितना मैंने पढ़ा था डोमेन एनसीईआरटी से ही स्ट्रिक्ट रहता है, एनटीए कभी भी एनसीईआरटी को टच नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट कि एनसीईआरटी को लेकर बार बार सवाल आते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बार बार हम भी कहते हैं। और देखिए आपके सामने वो स्टूडेंट जिसने बीएचयू में एडमिशन पक्का किया है, वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। ये जरूर है कि आप ऐसी कसम मत खा लीजिए कि एनसीईआरटी के अलावा मुझे कुछ देखना ही नहीं है, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी पर पहले कमांड करके जरूर जाना है, ताकि आप वहां से चीजों को उतना ग्रैब करके जाएं कि एग्जामिनेशन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। जनरल टेस्ट की आपने बात की, मैं सौरभ आपके पास आऊंगा कि बीएचयू के लिए ये बोला जाता है कि जनरल टेस्ट बीएचयू बहुत प्रेफर, मतलब उसमें प्रेफरेंस बीएचयू को ज्यादा, बीएचयू ज्यादा देता है। जैसे डीयू बोलता है कि जो डोमेन सब्जेक्ट है जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े हैं वही लेने हैं, थोड़ा सा वहां डोमेन का रहता है ज्यादा। तो जनरल टेस्ट के लिए क्या अप्रोच आपकी रही, या जनरल टेस्ट के लिए क्या खास बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी? सर जनरल टेस्ट के लिए सबसे पहले जनरल टेस्ट के जो सिलेबस है जिसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव है और लॉजिकल है, तो प्रैक्टिस चाहिए और जीके जैसे जो करंट अफेयर होते हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। और 75 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ स्टार्ट करने, तो उतना भी टफ नहीं होता, बस टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। मतलब उसमें जनरल टेस्ट में अगर मैं इन पर्टिकुलर पूछूं, जैसे आस्था मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, क्वेश्चन पेपर देख के आपको क्या लगा ज्यादा टाइम किस किन क्वेश्चंस पे देना पड़ रहा था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ टाइम दूसरे क्वेश्चंस के लिए बचाना होता है। जैसे अगर टोटल टाइम को मैं सभी सभी क्वेश्चन से डिवाइड कर दूं, एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए 5 सेकंड आ रहा है, तो हमारा ये अप्रोच होता है कि जो कुछ ऐसे सेक्शन है जिसको हम 1 सेकंड में कर लें, कुछ 4 सेकंड हम दूसरों टफ वालों के लिए बचा कर रखें। तो कौन से सेक्शन ऐसे लग रहे थे जो ज्यादा टाइम टेकिंग है? सर ऑफ कोर्स मैथ्स का जो सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हम पढ़े रहते हैं, तो वो तो हमारे माइंड में तुरंत 1 सेकंड में उसका आंसर हमारे सामने शो हो जाता है कि हाँ ये ऑप्शन में से ये आंसर होगा। बट सर जो मैथ्स का होता है उसमें सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज उसे हमें सॉल्व करना होता है। तो मैंने तो सबसे ज्यादा जो टाइम दिया है वो अपने मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन को दिया है, क्योंकि रीजनिंग में भी मैथ्स इंक्लूडेड ही होता है। अदरवाइज सर जो थोड़ा टाइम दिया है वो करंट अफेयर्स या फिर जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। राइट, यानी जो बच्चे भी सुन रहे हैं इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जनरल टेस्ट का अगर पूरा है जिसमें आपको जीके जीएस इसके अलावा करंट अफेयर्स क्वांट ये सब कुछ करना है, तो उसमें आप प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे बाकी क्वेश्चंस थोड़ी जल्दी निकलने हैं करके, ताकि मैं टाइम बचाऊं अपने क्वांट सेक्शन के लिए कि वहां अगर कहीं फंसे तो वो मामला बन जाए और उसको हम सॉल्व कर पाए। तो ये जीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अच्छा एक चीज मैं और यहां से पूछना चाहता हूं कि आप तीनों ही साइंस बैकग्राउंड से या डोमेन आपका आर्ट्स भी रहा था? अच्छा आस्था कॉमर्स से हैं, सौरभ आप? सर मैं साइंस बैकग्राउंड से था। एंड सूर्यांश? सर मैं पीसीएम था, मैं साइंस बैकग्राउंड से ही था, बट मैंने यहाँ डोमेन आर्ट का दिया था। तो डोमेन में क्या सब्जेक्ट लिए थे सूर्यांश आपने? डोमेन में मैंने हिस्ट्री लिया था एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा पीसीएम विथ इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स था एंड हिस्ट्री था। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए कोई विशेष अप्रोच आप बताना चाहेंगे जो बच्चों को ध्यान में रखना है, या एग्जाम देकर आपको लगा कि ये चीज अगर करके जाएं तो हिस्ट्री में बड़ी फायदा? जस्ट एनसीईआरटी फैक्ट्स, लाइक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं एनसीईआरटी से। एंड फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे सब चैप्टर्स है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, तो न्यूमेरिकल्स का वेटेज कितना है? नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। राइट, करेक्ट। उसमें मैं अगर और पूछूं तो वाइड नेशनल इनकम के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए था, या छोटे छोटे जैसे मूल जैसे वैल्यू एडिशन पर कभी क्वेश्चन आता है, या प्राइवेट इनकम आता है, या आपको पूरा मेथड लगा के जो वैल्यू एडिशन हो या फिर कोई और मेथड हो आपको लगा कर क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल आंसर देना रहता है? फाइनल आंसर देना रहता है। ये जैसे बोर्ड में रहता था हमारा लार्ज लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन, उस तरीके का क्वेश्चन रहता था। बढ़िया। और आपको उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिखाई दिए या पर्टिकुलर मेंशन दिखाई दिए कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा मार्क्स हैं या इस क्वेश्चन पे कम मार्क्स हैं? नो सर, ये सीयूटी का हर क्वेश्चन सेम मार्क्स है। बराबर है, बिल्कुल। मैं इसलिए जानबूझकर ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि बच्चे ये बार बार फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो ये सुन के कन्वर्सेशन आप बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाइए कि ये प्रॉब्लम या कंफ्यूजन अपने दिमाग में निकाल लीजिए। सौरभ अब मैं आपके पास आऊंगा और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक टाइम टेबल बनाना या शेड्यूल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं और सीयूटी देना है तो, और उस टाइम टेबल में क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम है तो किस चीज का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए? सर जैसे
हमारे बोर्ड के बाद हमको करीब 1 या 1.5 महीने मिलते हैं हमारी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। तो जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो तो 12th बेस्ड एनसीईआरटी से होते हैं, तो आपका तो उसे कवर हो जाता है। आपको मेन टाइम देना होता है, आपकी लैंग्वेज भी उसी से कवर भी हो जाती है, लेकिन आपको मेन टाइम देना होता है आपकी जीटी पोर्शन पे। तो जीटी पोर्शन के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही वो है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए मतलब, और कुछ किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको सिर्फ मतलब जो 12th का होता है डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज, उनके लिए आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, और जीटी के लिए मेन टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है देखा जाए तो। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टाइम टेबल का जो इम्पोर्टेंस है उसमें ये ध्यान देना है कि उस टाइम टेबल में कुल मिला के समय उस सब्जेक्ट को ज्यादा देना है जो प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, और जितना आपको जिस डोमेन में या जिस पेपर में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए शायद थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़े। आस्था, क्या आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया था या कोई टाइम टेबल को लेकर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? सर, टाइम टेबल और नोट्स ये दो मेन इम्पॉर्टेंट्स रखते हैं हमारे जो भी हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं। सर, टाइम टेबल अगर आपको फॉलो करना है तो मेनली तो देखिए जीटी के साथ साथ आपको लैंग्वेज पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि लैंग्वेज भी है जो हर जगह हर कॉलेजेस में मांगी जाती है, और जीटी के साथ साथ लैंग्वेज का मार्क्स हर जगह ऐड होता है। तो सर, जीटी तो इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सर, हमें हर चीज़ को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेके चलना होता था। ऐसा नहीं था कि हम एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे दिन पढ़ेंगे। हमें सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना होता है, बट देना होता है डेली बेसिस पे। आप थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, पर डेली पढ़िए, अदरवाइज वो भूल जाते हैं। राइट, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक तो ये भी है कि हमें टाइम देके पढ़ना है, प्लस रिवीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और रिवाइज करना छोड़ देते हैं, तो रिवीजन करके उसको दिमाग में रखना ये बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक बार फिर सूर्यांश आपके पास आता हूं, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए क्या, या मॉक जिसको कहते हैं, मॉक अटेम्प्ट करना, टेस्ट अटेम्प्ट करना, कैसे आपने? मैंने जनरल टेस्ट के लिए मॉक अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री में मॉक्स अवेलेबल थे उस टाइम, क्योंकि एक प्रॉपर बेस उस समय बना नहीं था सीयूईटी का। इस बार के बैच के बच्चों को एक ये बहुत लाइक फेवर है कि उनके पास एक बेस डेवलप्ड है। हम लोगों ने रॉ से शुरू किया था, तो जो मिलता था कंटेंट उससे प्रिपरेशन कर रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप करना चाहते हैं सीयूईटी 2023 की तैयारी? तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल सीयूईटी अड्डा 247 से, और प्रतिज्ञा 2.0 बैच ज्वाइन करिए, जिसमें आप इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज से कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी तैयारी। अगर आप हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और करना चाहते हैं सीयूईटी 2023 की तैयारी, तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल सीयूईटी हिंदी मीडियम से और ज्वाइन करिए प्रबल 2.0 और अपने सपनों का विश्वविद्यालय पाइए। आप अड्डा 24/7 का ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जिसमें आपको मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट न्यूज फीड्स और सभी जानकारियां जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी हैं। तो देरी मत करिए, ज्वाइन करिए सीयूईटी हिंदी मीडियम, सीयूईटी अड्डा 247 और अड्डा 24/7 का ऐप। आपको लगता है कि अब जो सेकंड टर्म में जो बच्चे सीयूटी दे रहे हैं और उनके लिए एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं एक एड ऑन हो जाएगा उनके लिए और बहुत हेल्पफुल होगा वो अगर टेस्ट अटेम्प्ट करें। राइट, यस सर, यस सर, उनको मॉक टेस्ट कॉल करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सौरभ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम दे रहे थे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे थे और पहले आप पढ़ाई करके घर से आए थे, वहां पर एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय ऐसा लगा कि टाइम हाथ से निकल रहा है या टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा कुछ आपको लगा, ऐसा कोई फेज आता है या उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दी आपको? सर, मैंने जनरल टेस्ट दिया था, लैंग्वेज दिया था और दो डोमेन दिए थे, तो करेक्ट डोमेन और लैंग्वेज में तो मुझे दिक्कत नहीं, मेरे करीब 5 से 6 मिनट हर में एवरेज बच रहे थे, लेकिन जीटी में मुझे लगा कि मुझको 1-2 मिनट और मिल जाना चाहिए, तो मैं अच्छे से कर लेता, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व कर लेता। तो जीटी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और जीएस जो है आती रहती, नई नई जीएस आती है, करेंट अफेयर जो आते स्टैटिक हो जाता है, तो आपको मेन रहेगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान दें, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए जीटी के लिए। जो करंट अफेयर और जीएस वाली आपने बात करी, स्टैटिक और एक करंट, दो तरीके के होते हैं, पेपर दे के आपको कैसा लगता है, स्टैटिक पर ज्यादा फोकस रहता है कि करंट अफेयर पर या बराबर? सर, दोनों बराबर ही रहते हैं।
दोनों बराबर रहते हैं। और अगर बच्चे ये जानना चाहें सर कि कितने दिन पहले का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो आपकी राय में क्या होगा? ये तीनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आपको एग्जाम देकर, क्योंकि अलग अलग पार्ट में एग्जाम हुआ होगा। तो अगर मैं सौरभ आपसे पूछूं कि आपको क्या लगा कि लगभग कितने दिन पहले का करंट अफेयर उसमें इन्वॉल्व था? इस पार्ट में मैं सौरभ को करेक्ट करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप रेशियो डिविजन देखिएगा, हाँ, तो 60-40 या फिर 70-30 का रेशियो डिविजन था बिटवीन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, चाहे वो मॉडर्न लाइक करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज का स्टैटिक जीके हो, उसे मॉडिफाई किया जाता था। जैसे कि किसी अगर नए सीईओ हैं कोई, तो उन्हें मिक्स किया जाता था मैच द फॉलोइंग के साथ, किसी नए सीईओ का नया कंपनी के साथ मैच करिए, बाकी उसमें पुराने सीईओ भी मिक्स कर दिए जा रहे थे। ने जो 70-30 आप बता रहे हैं, इसमें रेशियो किसका ज्यादा था, स्टैटिक का या करंट का? स्टैटिक का रेशियो। हालांकि हो सकता है कि दोनों के अलग अलग पालियों में परीक्षा रही हो, तो किसी पेपर में ज्यादा करंट आ गया, ऐसा हो सकता है। तो हम अगर एवरेज भी करें तो 50-50 लेके चल सकते हैं कि दोनों के चांसेस बराबर हो रहे हैं। कि जो एक स्टैटिक जीके, जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर समझने में परेशानी हो रही हो, तो वो जीके जो पहले से है, जैसे इनका जन्म कब हुआ या ये कंपनी कहां पर है या इसका मुख्यालय कहां पर है, ये स्टैटिक हो गया, करंट जो अभी चल रहा है, तो आपको करंट और स्टैटिक दोनों पर काम करके चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इकोनॉमिक्स के साथ साथ और कौन सा डोमेन आपने बताया सूर्यांश? हिस्ट्री। तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की आपने बात की। आस्था, आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या रहे थे? सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप ज्योग्राफी पर बताओ कि ज्योग्राफी के लिए आपने क्या स्पेशल किया था या ज्योग्राफी के लिए क्या सही हो सकता है बच्चों के लिए भूगोल पे? सर मेनली मैप्स होते हैं, और उसके बाद सर कौन सी रिवर्स कहाँ पे मतलब फ्लो करती हैं, ये सब मेनली वहाँ पे ज्योग्राफी में मेजर है। सर मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था, मतलब कि कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो मैंने डोमेन के लिए उतना मेजरली प्रिपेयर किया नहीं था, क्योंकि बीएचयू में सिर्फ जीटी और लैंग्वेज चाहिए होता है। बट फिर भी जो क्वेश्चन आए थे जिस बेसिस पे, वो सर रिवर्स वगैरह, मैप्स वगैरह, इन सबसे रिलेटेड थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बोल रही हैं। मैं इसलिए इस पर पूछना चाह रहा था कि देखो, ज्योग्राफी अगर आप सिलेबस देखो तो फिजिकल ज्योग्राफी सीयूईटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो 11th का पार्ट है। 12th में जो सिलेबस है उसी हिसाब से ज्योग्राफी का सिलेबस बनता है। उसमें कहीं रिवर और माउंटेन्स वगैरह का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, आपने देखा कि रिवर्स पे भी क्वेश्चन आए थे और मैप पर क्वेश्चन आया था जो इनसे रिलेटेड था। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि ज्योग्राफी का जो एसेंस है ना भाई, भूगोल का एसेंस कहाँ है कि नदियां, झील, झरने, पहाड़, ये सब कहाँ होते हैं, ये तो बेसिक है। ये बेसिक चीजें आप जरूर देख लेना परीक्षा में। थोड़ा सा सिलेबस का ब्रॉडर एस्पेक्ट लेकर चलना है। जैसे 12th में जो लोग पॉलिटिकल, सौरभ आपके डोमेन क्या थे? मेरे पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। करेक्ट। अब पॉलिटिकल में क्या आपको संविधान के सवाल देखने को मिले थे? नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से मिले थे और जो पॉलिटिक्स के मिले थे। पॉलिटिक्स के मिले थे, लेकिन हाँ, यही चीज मैं ज्योग्राफी वाले से थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन में बिल्कुल एग्जैक्ट वही आए जो आपका सिलेबस में है, लेकिन हो सकता है कि 11th में कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन था, तो थोड़ा बहुत संविधान के सवाल भी अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल जाए। तो बेसिक चीजें जो पॉलिटिक्स, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस का जब एग्जाम दिया होगा, तो वो इमरजेंसी वाला चैप्टर की भी तैयारी करी होगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है ये सब। तो हो सकता है इमरजेंसी के आर्टिकल्स, चुनाव आयोग के आर्टिकल्स, ऐसे चीजें देखने के लिए मिल जाए, तो इसके लिए भी बच्चों को तैयार रहना चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर कर रहे हैं। अब मैं एक लगभग लास्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन पर चल रहा हूँ, अब लगभग हम खत्म करेंगे इसको। तो मैं इसमें अब आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट जब आ रहा है एग्जामिनेशन का, जब सीयूईटी बिल्कुल करीब आने जा रहा है, तो लास्ट मोमेंट में बच्चों की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सूर्यांश, आपके क्या टिप्स हो सकते हैं? सर पैनिक मत करें, बिल्कुल पैनिक ना करें। करेक्ट। चीजें जितनी डिफिकल्ट लग रही है, जितना उन्हें बताया जा रहा है, उतनी कभी नहीं होंगी। बिल्कुल सही, यानी कि प्रिपरेशन पे, हाँ बताइए, अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखें। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशू होने वाली है, क्योंकि जब आप हॉल से निकलिएगा तो आपको ऐसा हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं कि आपको लगे कि यार टाइम होता तो मैं और कर लेता, क्योंकि क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, टाइमिंग विल बी द इशू। और मेरे लिए जो फैक्टर सिलेक्शन फैक्टर बना था, मुझे मेरे फ्रेंड ने एक बताया था एग्जाम के 10 दिन पहले, मैंने इसे फॉलो किया। मेरा मानना है कि ये वन ऑफ मेरा लाइक सिलेक्शन फैक्टर्स था, कि जो आता है सिर्फ वही करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो नहीं आता है उसका कुछ भी कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको ज्यादा खाएगी। बिल्कुल, इस पर हम बात करने वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना है। यानी कि कॉन्फिडेंट जिस क्वेश्चंस पर है उसको ज्यादा टच करें, आप ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में ना पड़े। एग्जैक्टली, आपको जितना आता है आपने उसका एक अच्छा नंबर कर दिया तो आप ज्यादा ऊपर चले जाओगे, बट अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप उसे ऑलरेडी नीचे आ जाओगे ना।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आस्था आपको क्या लग रहा है लास्ट मोमेंट में क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सर पहले तो हमें जिस मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं उससे ही पढ़ना चाहिए, ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए कि हम ढेर सारा मटेरियल एक साथ लेके पढ़ने लगे, उससे माइंड में चीजें आती भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है चीजों को याद रखने में। तो आप एक चीज पे अगर रहेंगे तो वो आपको याद भी रहेगा, और थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल भी प्रेशर में मत आइए, थोड़ा सा काम रखिए, शांत रखिए, और बस आप जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपके पास मटेरियल है, आप उस पर फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और वही पढ़िए। और जैसा कि सूर्यांश ने मेंशन किया कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप उसमें तुक्के नहीं लगाइए, आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप वो अटेम्प्ट करिए। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप सॉल्यूशन लगा सकते हैं, बट करंट अफेयर्स वगैरह में आप बिल्कुल भी वैसा अटेम्प्ट मत करिए जो आपको नहीं आ रहा है। और ये बहुत वैलिड पॉइंट है क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या अभी भी कोई किताब लेके पढ़ लें और नोट्स बना लें, तो क्या आखिरी समय में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बुक्स इकट्ठा करना और बहुत हैवी नोट्स बनाना ये नुकसान हो सकता है बच्चों का? Yes, of course, because आपने जो पढ़ा हुआ रहता है वो आपको याद रहता है, पर अगर आप ओवरबर्डन करके एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ भी भूल जाता है। तो आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहें बार बार, आप एक्स्ट्रा लेने की जरूरत मत करें, क्योंकि आप 2-4 दिन में बहुत ज्यादा नहीं गेन कर सकते, तो बेटर होगा कि आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते जाए। ग्रेट, सौरभ मैं आपसे अभी पूछूंगा कि लास्ट मोमेंट टिप्स क्या होने चाहिए, और थोड़ा सा एक सवाल और कि अगर बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हमने जनरल टेस्ट की बिल्कुल तैयारी अब तक नहीं करी है, तो लास्ट में लास्ट मोमेंट आपके टिप्स क्या है, और जनरल टेस्ट को अगर थोड़ा कम समय में तैयार करना हो तो क्या कर सकते हैं? जनरल टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट तो लगाना जरूर चाहिए उनको, और करंट अफेयर भी देखने चाहिए, करंट अफेयर की एक बुक आती है, मंथली मैगजीन आती है, उनको ले लेनी चाहिए, और जीएस उतना भी मतलब कठिन नहीं आता है, हार्ड नहीं आता, जीएस आसानी होता है, और सर ऑप्शंस भी होते हैं, 75 क्वेश्चन में सिर्फ 60 करने होते हैं, तो उतना भी टफ नहीं, और रिवीजन करते रहना चाहिए, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा जीएस में तो वही चीजें आती हैं, बस एक बार आप रिवीजन कर लो। बहुत बढ़िया, करेक्ट। अब मैं एक बात और लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, फिर आप लोगों से कुछ फाइनल कमेंट्स भी जरूर लूंगा, वो ये है कि जब आप लोगों ने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बात आई इस बारे में, बहुत लोगों से बात की गई कि जितना सीयूईटी का एग्जाम देना इंपॉर्टेंट था, कई बार तो ऐसा लगा कि उससे ज्यादा काउंसलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गया, और काउंसलिंग ने यूनिवर्सिटीज दिलाने में या कॉलेज दिलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, चाहे वो डीयू का मामला रहा हो, बीएचयू का भी जरूर ऐसा रहा होगा, तो काउंसलिंग को कितना अहम मानते हैं सूर्यांश, की काउंसलिंग के समय क्या बातें बच्चों को जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी लास्ट में? अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, आपको लगता है मेरिट पास कर जाओगे, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस बार जैसे हमें अभी एक हफ्ते पहले एक नोटिस रिसीव हुआ है बीएचयू में भी कि इस बार का जो नया बैच है उनकी काउंसलिंग प्रोसेस इट विल बी लाइक 50% फास्टर देन आवर्स। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट बीएचयू पहले से प्रिस्क्राइब करके रख देता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स का आप अपने पास रेडी रखें। अगर जैसे मैंने अंबेडकर में भी एडमिशन लिया, तो आपको बस डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी लेने रखने हैं, उसके अलावा बस अटेंटिव रहें और जैसी लिंक आता है पेमेंट कर दें। तो मेन एग्जाम है, काउंसलिंग उसके बाद हो जाती है। करेक्ट, ओके, थैंक यू। सौरभ आप कुछ, आपको कोई काउंसलिंग में इशू आया था या काउंसलिंग के समय कोई ऐसी खास बात जो ध्यान रखने की है? तो सर काउंसलिंग में इशू नहीं आया था, काउंसलिंग में नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका काउंसिल है, काउंसलिंग है, 3 नवंबर को आप आ जाए, डॉक्यूमेंट लेके जो उन्होंने प्रोवाइड किए सब वही डॉक्यूमेंट लेके चले गए थे, तो काउंसिल हो गई थी और दिक्कत तो कोई नहीं हुई सर, फिर हमारी क्लासेस रेगुलेट हो गई थी। ओके, आस्था क्या आपके भी ये विचार हैं, कोई ऐसा इशू नहीं था, और काउंसलिंग के बाद क्लासेस जो हो रही है बीएचयू में उससे आप सेटिस्फाइड हैं और पढ़ाई का एटमॉस्फेयर माहौल बढ़िया बन रहा है आपके लिए? यस सर, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। सर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होता है कि अगर आपका मार्क्स सेम है उसी बेसिस पे किसी और का आपके जितना मार्क्स है उनका पहले आ जाता है, तो उससे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पर धीरे धीरे वो आ जाता है, तो उसमें भी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, आपका जो भी रिजल्ट है, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको रेडी रखिए, और आपको खुद वो मैसेज में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप सेलेक्टेड हैं। दैट्स इट, यानी आप थोड़ा अटेंटिव रहिए और उसके हिसाब से फिर आपको दौड़ने भागने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि जहां जहां आपने अप्लाई किया है वहां से कॉल आए तो आप वहां पहुंच जाए टाइम। हाँ हाँ,
तो ठीक है, मैं फाइनली आप लोगों से एक कमेंट लूंगा कि अगर जो बच्चे भी बीएचयू का सपना देख रहे हैं, कोई खास बात जो आप बताना चाहें टिप्स के रूप में कि उन्हें करना है, आई विल स्टार्ट विद सुरेंद्र, क्या आप बताना चाहोगे लास्ट में कि जो लोग भी बीएचयू में आना चाहते हैं कुछ खास टिप्स? जनरल टेस्ट इज द की, लेकिन लैंग्वेज को मत भूलना। ओके सौरभ, और काल भैरव पे भरोसा रखिए, उनकी पूजा कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी जनरल टेस्ट ही है। हाँ। बीएचयू में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही तो मांग रहे, तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों ही चीजें। करेक्ट। आस्था, आपके क्या विचार हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और अपने जो भी आपके प्रिपरेशन है उस पर ध्यान रखिए। जो भी कोई भी न्यू अपडेट आती है आप उसको पहले ध्यान दीजिए, मेंशन करिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो एनटीए है, वो कुछ भी कर सकता है, तो आप उस चीज पे ध्यान रखिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी मेहनत है, तो आपको वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये एक बहुत छोटा और बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन था, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत कुछ, मैं रियलिटी बताऊं, हम लोग तो बहुत चीजें बच्चों को बता रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बात करके कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे अंदर नए डेवलप हुए हैं बीएचयू को लेकर। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उनको तो और फायदा मिलेगा। और सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, और आप लोगों की ये बातें सुनकर जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में एक नया अप्रोच दिखाई देगा कि कोई कंफ्यूजन होगी तो सो बाहर आ जाएंगे। तो मैं आप सभी का, यानी आप तीनों लोगों का, आस्था, सूर्यांश, सौरभ, आप तीनों लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये भी कामना करता हूं कि भविष्य में आप लोगों की जो भी इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, वो भी आप प्राप्त करें और हम आपसे ऐसे ही बार बार कोई ना कोई नया फीडबैक सजेशन लेते रहें और आगे के बच्चों के लिए। तो सीयूईटी हिंदी मीडियम से, सीयूईटी अड्डा से और अड्डा 247 से आप लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्राइसलेस टाइम आपने हमको दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू। और बच्चों की तरफ से भी आपकी थैंक यू, क्योंकि बच्चे ही बार बार कह रहे थे कि हम बीएचयू के कुछ बच्चों से आपकी बात कराएं जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले और दिशा मिले। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।